दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे द गोट लाइफ के छठे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे इस फिल्म के अब तक की टोटल इंडिया नेट ग्रॉस ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ये एक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल में नजर आए हैं। इस फिल्म को ब्लेसी ने डायरेक्ट किया। फिल्म के लिए म्यूजिक AR रहमान ने दिए। बात के स्क्रीन काउंट की तो दोस्तों इस फिल्म को इंडिया में लगभग 900 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया है तो ओवरसीज में लगभग 700 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया है। यानी इस फिल्म को दुनिया भर में लगभग 1600 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया। वहीं बात करें कलेक्शन की तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन रिकॉर्ड ब्रेकिंग 7 करोड़ 80 लाख का नेट कलेक्शन किया था, तो दूसरे दिन में 6 करोड़ 55 लाख का, तीसरे दिन में 8 करोड़ का, चौथे दिन में 9 करोड़ 12 लाख का और अपने पांचवे दिन मैंने सोमवार के दिन में लगभग 4 करोड़ का नेट कलेक्शन किया, जिससे इस फिल्म के 5 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 35 करोड़ 47 लाख हो चुका है, तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 42 करोड़ 50 लाख हो चुका है। वहीं ये फिल्म ओवरसीज में भी काफी रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन कर रही है। इस फिल्म के 5 दिनों को टोटल ओवरसीज कलेक्शन लगभग 34 करोड़ हो चुका है। बात करें इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की तो इस फिल्म के 5 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 76 करोड़ 50 लाख हो चुका है। आपको बता दूं कि इस फिल्म का टोटल बजट लगभग 80 करोड़ बताया जा रहा है, लेकिन इस फिल्म ने राइट से कुछ रिकवरी कर ली थी जिसके चलते इस फिल्म का थिएटरिकल बजट तकरीबन 35 करोड़ हो चुका है और इस फिल्म ने 5 दिनों में अपना बजट भी रिकवर कर लिया और बॉक्स ऑफिस में हिट भी साबित हो चुकी है। बात करें इस फिल्म के IMDb रेटिंग की तो इस फिल्म को 8.9 रेटिंग मिले। वहीं बात करें दोस्तों इस फिल्म के छठवें दिन की कलेक्शन की तो वर्किंग डे होने के बावजूद भी आज इस फिल्म के कलेक्शन अच्छे खासे दिख रहे हैं। ये फिल्म अपने छठवें दिन में इंडिया में लगभग 3.5 करोड़ का नेट कलेक्शन करने वाली है। तो दोस्तों अगर आपने फिल्म देख लिया तो आपको फिल्म कैसी लगी, आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।